कब से ये काम करते हैं? मैं थोड़ी दिन नौकरी में आई, मैं लिया लग गया नई नौकरी। सरकारी नौकरी मिली आपको? हाँ, वो फौज में था मैं। बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हम छोटे से थे बड़े हो रहे हैं, ये बाबा लोग ऐसे घूमते हैं, ये क्या प्रक्रिया है आपकी? उसके लिए शादीशुदा होना जरूरी है, ऐसे तो ना कोई चक्कर, शादीशुदा लोग भी ये काम कर सकते हैं? हाँ, शादीशुदा भी कर सकते हैं काम ये। वो आपने मेहनत का काम छोड़ के ये काम क्यों चुन लिया? बस वैसे ही सीख लिया, बाबियाला जंगमाला जंग बाबियाला घूमन। मन में बात आई है किसी ने थोपा आपके कि यो कर लो या ये कर लो? तो पढ़े लिखे हो, 12 पढ़े लिखे हो, नौकरी सरकारी फौजी की नौकरी छोड़ के ये क्यों करने लगे, कभी आता है मन में? भाई दुख है नू है, इस काम में फौज की नौकरी छोड़ गए ना, इस काम में तो दर जावे आदमी, गलत बात हो है ये तो इसमें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा शरण सिंह। इससे खड़े हो ना, कैमरे चल रहे हैं। शरण सिंह कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हम छोटे से थे बड़े हो रहे हैं, ये बाबा लोग ऐसे घूमते हैं, ये क्या प्रक्रिया है आपकी? ये बाबा जंगम होते हैं, शिव ब्राह्मण, शिव जोगी, जंगम। हाँ ठीक है। उसका दान लेते हैं शिव जी का, टल्ली बजा कर। हाँ, तो ये बजती रहती है। हाँ। गाते भी हो आप? वो क्या होता है? वो गाना गाते, शिव जी का भजन, शिव जी का ब्याह सुनाते हैं। ठीक है। और बस अपना घूमते हैं, उसके नाम की महिमा गाते हैं शिव जी का। ये जो आप घूमते हो, इधर उधर जाते हो, उसके पीछे ये कारण क्या है कि बचपन से जाते हो, फैमिली ने दिया आपको या आपके? हाँ। परिवार ने दिया? हमारी फैमिली ने लाले देवी, बाल बच्चा ने उन्हें, हमारे परिवार ने दिया, बाल बेटा बेटिया ने, इस कृपा ने ये काम करते हैं टल्ली बजाने। नहीं, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरा बापू है, मैं हूँ, मेरे भाई हैं दो। वो शादीशुदा है, उनकी शादी है? हाँ। आपकी शादी नहीं हुई? ना, मेरी हो रही शादी, माई। आपकी शादी हो रखी? हाँ। कितने बच्चे आपके? मेरे तीन मुंडे। तीन मुंडे। हाँ। आप बोल रहे हो कि शिव शंकर जो उनकी शादी नहीं हुई, बैचलर, ये बोल रहे हैं आप कि उनकी शादी वाली प्रथा सुनाते हो आप? हाँ, शिव की कथा गाते हैं। तो उसके लिए शादीशुदा होना जरूरी है, ऐसे तो ना कोई चक्कर, शादीशुदा लोग भी ये काम कर सकते हैं? हाँ, शादीशुदा भी कर सके हैं काम ये। ठीक है। ये आपको दिया जाता है या आप खुद जाते हो किसी संस्था में या किसी और जगह में? हमको मिलता है सवेरे अपने शादी ब्याह में, मिल जाता है ब्याह में, हमारी शादी ब्याह होता नहीं भाई, उसमें हमको दान में दिया जाता है, ब्रह्मा हमको दान में दिया जाता है शिव जी का। कौन कौन? ये शिव जी का वाणा है। कौन देता है आपको, ये पूछना चाहती हूँ मैं। ये जो हम बचपन से देखते आ रहे, पता नहीं लगता लॉजिक, ये क्या चीज़ है, किसने दिए, कौन देता है? हमारे माँ बाप देवे हैं, मेरे पिताजी हो या मेरे चाचा ताए, उनको दिया हुआ, पहले मिला हुआ कुछ इधर आ जाइए। हाँ, उनको मिला हुआ है ये सब शामिल। वो भी यही काम करते हैं? और नहीं, वो और काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े हो? मैं तो प्लस टू 12 कर रहा हूँ। फिर नौकरी क्यों नहीं की, कब से ये काम करते? मैं थोड़ी दिन नौकरी में आई, मैं लिया लग गया नई नौकरी। सरकारी नौकरी मिली आपको? हाँ, वो फौज में था मैं। फौज में थे, फिर यहाँ क्यों आ गए? फिर ये कर्म सीख लिया माई, टल्ली बजाने का, जंगम पड़े का, गाने बजाने का। नहीं, नहीं, वो आपने मेहनत का काम छोड़ के ये काम क्यों चुन लिया? बस वैसे ही सीख लिया, बाबियाला जंगमाला जंग बाबियाला घूमन। मन में बात आई है किसी ने थोपा आपके कि यो कर लो या ये कर लो? वैसे दिल में आएगी, मैं चलो ये काम कर सीख लो। बढ़िया लगता है ना? बढ़िया तो के लगे माई। कितने साल से करते हो? शादी के बाद तभी करना शुरू कर दिया? नहीं, शादी से पहले, बाद में करना सीखे थे। अच्छा, शादी से पहले कर रही रखा? हाँ। तो आपकी शादी ऐसे लड़के वालों ने कर दी कि आपको लड़की दे दी? और माई लड़की दे दी। बच्चे आपको याद करते हैं, घर में जाते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, देख जाते हैं माई, घर आ जाता हूँ जब अपने बाल बच्चा के पास जाऊँ। कब जाते हो? मैं जाऊँ महीने दो महीने में, साल एक दो महीने में चला जाता हूँ। कहाँ जाते हो पंजाब में, भारत में, कितना कहाँ कहाँ जाते हो? लुधियाने से या हरियाणा में, कहाँ, हिमाचल, कहाँ तक जाते हो?
हम भाई बहुत दूर दूर चले जाते हैं, हिमाचल कालका धर्मपुर सोलन हिमाचल में बड़ी इलाके में भी चले जाते हैं। अंग्रेजी आवे बोलनी आपको है? अंग्रेजी आवे बोलनी ना बहन जी, अंग्रेजी नहीं आती। ये सुना दो भजन सुना दो फिर जाते वक्त क्या गाते हो? भोला शंकर मेर करेगा शिवा द्वार, धर्म पड़ेगा धर्म दान बंदेगा, साथी धर्म उतारे बिड़ा पार बंद पाप डोब दे सत्ता नंद कर देगा काया ने, बिना भजन ते सुनने गाया जैसे जंगल में कुआल आया मुसाफर गया छाया ऐवे दंड में पैसा लाया, घना दान चाहिए पंड दी घना दान चाहिए भरो बहुत सी सुना के मेरे गल कह ले जा, बड़क बच्चा में खेलता फिरेगा बुढ़े ठिरा में मौत करेगा, इतनी गैर ब्राह्मण कर प्या खवे बंग बोला बन देगा पुवे तू तुरा कंठ ले चले जे जहर नागने अगर गवानियों में दिखनी जहर दान गाना लागू बे पला छोड़ दे रन जान दे ओन राशि उब चले बरा लोड शिवाने वहाँ पकड़ी रे कौन तेरा राजा कौन तेरी ना खड़े शहर ब्याहन है आए दिन मारे मन आधा भागण दिन तो लोग तेरा व्रत करें बचा हिंदू अणिया खात खात भी खात खात रजपूत सत अब से वक्त तेरा जान दरें बंद खाते दूध के लडू बेल पत्थर दी पुदात रे वो पान में पंजाब हो लगा पर मैं श्री गौर दादा की लड़की हुक्म राज करने न मांगे गरीब बाप के कितने कितने मिनट का भजन होता है भाई? ये तो तीन चार घंटा का होता, कथा होती पूरी लंबी कथा हो। सीखी आपने? और ग्रंथ में लिखी गीता में लिखी हुई है, कहाँ से लिखी होती? ये भाई गीता मैंने लिखी, वैसे मुद्दानी याद करनी पड़ती है। कथा होती है जैसे टप्पे पंजाबी लोक संगीत हो गया। हाँ जैसे संगीत और कला, जैसे गायक कलाकार कंपटीशन हो गया किसी चीज का। आपको मन में आते हैं आप पढ़े लिखे हो, बारह पढ़े लिखे हो, नौकरी सरकारी फौजी की नौकरी छोड़ के ये क्यों करने लगे, कभी आता है मन में? ना माई मैं तो एक छोड़ दी मैं मन इसकी खुशी है आपको कि उसका दुख है? भाई दुख है नू है इस काम फौज की नौकरी छोड़ गए ना, इस काम में तो दर जावे आदमी गलत बात हो है ये तो इसमें ये अच्छी दर दर जाना अच्छा लगता है ना, इसमें दर दर घूमना माड़ी बात है इंसान के लिए। तो फिर आपने क्यों चुने? आप समझदार हो, बोल भी रहे हो कि माड़ी बात है, फिर क्यों आए इधर? इसमें काम में आगे माई इसकन बहन जी। नशा करते हो कोई आप? दारू पीते हो कुछ ऐसा करते हो? ना दारू दूर नहीं पीते, सिगरेट बीड़ी कुछ पीते हो ऐसा? हाँ तो माई का बीड़ी बाड़ी सिगरेट पी लेता हूँ। मैं बापू जी ने सवाल है यहाँ पूछा वा क्योंकि इस समय बापू जी की जेब पॉकेट चो विजिबल हो रही थी स्मोकिंग वाले जेडे होंगे ने, तो मैं तो पूछा पर एक गल हैगी कि सच ये बोलते हैं जिक्र ये गल हैगी कि क्यों ये चीज़ की है, बचपन चो देखते दे आ रहे मन के सवाल उठे कि पूछिए कि वह की सगा उदो डरते होंगे सी आ गए सानू फड़ लैन गए डराया जाता से अक्सर पिंड बहुत बहुत शुक्रिया गल कर। रूहानी अति काले इलम दी माहिर बेगम रुखसाना जी एक घंटे दी विच हल, वशीकरण माहिर पति पत्नी दी विच अनबन, विदेश यात्रा दी विच रुकावट, विआह दी विच देरी, प्यार विआह प्यार दी विच धोखा खाई प्रेमिका प्रेमी तुरंत मिलो तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगी, हर समस्या का हल 101% गारंटी दे नाल करांगी, काले इलम दा समाधान गारंटी दे नाल कराओ, पुराने तो पुराना जादू जड़ तो खत्म, संपर्क करो 97817 71820।